दोस्तों ये अनार का पौधा है जो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। इसकी भी मैंने क्यारी बना दी है और मिट्टी को चारों तरफ डाल दिया है ताकि वर्षा का जल इसकी जड़ों में आराम से पहुंच सके, पर्याप्त मात्रा में पानी पहुंच सके। तो आप भी दोस्तों अपने बगीचे में लगे हुए पौधों की क्यारियां फिर से बना दें ताकि उसकी खरपतवार निकल जाए और जड़ों को भी अच्छी ऑक्सीजन अच्छी हवा मिल सके और पौधों की ग्रोथ बहुत ही अच्छे ढंग से हो, ताकि बरसात में पौधे अच्छे ग्रोथ करें और सर्दियां आने पर ये पौधे बहुत ही हरे भरे और कहें तो खुशहाल दिखाई देंगे, आपको बहुत ही अच्छा आपका गार्डन लगने लगेगा। ये दोस्तों गुड़हल का पौधा है, इसमें अभी आप देख सकते हैं ये गुड़हल का एक फूल भी आ रहा है जिसकी कली लगी हुई है। इसकी भी मैंने क्यारी बना दी है, खरपतवार जड़ों से बाहर निकाल दिए हैं। ये दोस्तों चाइनीज चमेली का पौधा है, इसे चाइनीज चमेली का पौधा कहते हैं। इससे भी मैंने खरपतवार निकाल दी है और यह पौधा लगभग सूख चुका है, लेकिन फिर भी दोस्तों अभी मेरी उम्मीद की किरण बाकी है क्योंकि अभी इसमें कुछ हरी पत्तियां आप देख सकती हैं, इस कारण यह पौधा अभी भी पुनर्जीवित होकर हरा भरा हो सकता है और सुंदर सुंदर चमेली के सफ़ेद घने फूल देने को तैयार किया जा सकता है। इसकी भी दोस्तों मैंने क्यारी बना दी है, आप देख सकते हैं दोस्तों जब बरसात आएगी तो इसमें पानी का संचयन अच्छे से हो जाएगा और जड़ों को भी साफ हवा और अच्छा अनुकूल वातावरण मिलेगा जिससे यह पौधा अच्छे से ग्रोथ कर पाएगा। अभी यह पौधा देखिए दोस्तों, आप देख सकती हैं ऐसा है जैसे बस सूखने ही वाला है और
या कहें तो सूख ही गया है, लेकिन यह पौधा भी दोस्तों फिर से हरा भरा किया जा सकता है इसकी उचित देखभाल और इसको नियमित रूप से पानी और खाद देने से यह फिर से हरा भरा हो जाएगा। और दोस्तों जब यह अच्छे से हरा भरा होकर प्यारे प्यारे सफ़ेद चमेली के फूल खिलाएगा तो उसकी भी वीडियो मैं आपको यथासंभव दिखाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।